आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो फुल लॉकिंग कर रहा है, कप 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 नोजल का आवाज़ आ रहा है और वाइट स्मोक भी मार रहा है। चाहिए तो हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, देखिए। फ्रेंड, हमारी गाड़ी बंद भी पड़ रही है, ये देखिए, पीछे देखिए वाइट स्मोक। फ्रेंड, देख सकते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट होकर बंद पड़ जा रही है। आगे थोड़ा आवाज सुनाइए, गाड़ी हमारी स्टार्ट होके और लॉकिंग करके बंद हो जा रही है और वाइट स्मोक भी पूरी तरह से मार रही है। ये हमारे गाड़ी मीटर पे देखिए, चेक लाइट आ रहा है, ईबीएस का लाइट आ रहा है, हेडलाइट का लाइट आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम इसका कवर ओवर ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा इंजेक्टर का वायर वायर जो है किसी चूहे हुए ने कुछ कटवट तो नहीं किया है। तो हम गाड़ी को बंद करते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट होकर बंद हो जाती है और नॉकिंग भी फुल करती है। तो हम आपको इसका सोल्यूशन क्या है और क्या करेंगे वो हम आपको डिटेल में दिखाएंगे। ओपन कीजिए इंजन कवर। सबसे पहले फ्रेंड, हम इसका इंजन कवर जो है वो ओपन करेंगे और इसके बाद इसके नीचे एक इंटर कूलर आता है, उसे भी ओपन करेंगे तो हमारे इंजेक्टर का वायर दिखेगा। हम स्कैनिंग करने से पहले एक बार इसको चेक कर लेंगे कि वायर वायर हमारा कुछ कट तो नहीं है। अगर नहीं कट मिलेगा तो उसके बाद स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि हमारा नोजल का प्रॉब्लम है कि कोई सेंसर का प्रॉब्लम है। देख सकते फ्रेंड, ये हमारा एयर माइल सेंसर है, ये भी वायर कट है लेकिन सब जॉइंट किया हुआ है। पहले से ये गाड़ी कहीं से हमारे पास आई है, वहाँ सॉल्व नहीं हुआ है तो हमारे पास आई है, तो हम इसको सॉल्व करके ही देंगे। देख सकते हैं ये बाकी वायर ठीक है। इसका इंटरकूलर ओपन कीजिए। तो फ्रेंड, हम इसका इंटरकूलर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका इंजेक्टर का वायर कहीं से मिसिंग मिसिंग है क्या, कटवट है क्या। ये जो ओपन कर रहे हैं ये हमारे नए बंदे हैं, आज से जॉइनिंग किए हैं। थोड़ा हमारे पास काम ज़्यादा है इसके लिए हमने फिर से एक बंदा रखा है। सबसे पहले है हमारे अंसारी जी, उसके बाद से हमारे मीराज जी, फिर है हमारे मोरे जी, और इनका नाम तो अभी कल कल आए हैं तो इसके लिए इनका नाम मालूम नहीं। आपका नाम क्या है? ये है हमारे आशीष जी। ठीक है फ्रेंड, तो हम पहले इंटरकूलर ओपन करते हैं, ओपन करके इसका इंजेक्टर का जो वायर है वो चेक करते हैं कि कहीं से छुआ हुआ नहीं, कुछ काटा वाटा है क्या। निकलिए इंटरकूलर। तो देख सकते हैं हमने इसका इंटरकूलर ओपन किया है, अब इसका हम इंजेक्टर का वायर चेक करेंगे। फ्रेंड, हमारे इंजेक्टर के जो वायर है वो तो पूरी तरह से ओके है, तो हम इसको सबसे पहले तो स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करके एक बार चेक करेंगे क्योंकि ये एयर माइल सेंसर का भी वायर देख सकते कटा हुआ है, तो इसमें कोई उल्टा सीधा फिट तो नहीं हो गया। तो स्कैनिंग करके हम चेक करेंगे कि हमारा एयर माइल सेंसर का फोल्ड आ रहा है या नोजल का फोल्ड आ रहा है, क्योंकि नोजल से हमारा शॉर्ट रहेगा तो भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा। वायर तो सारे जॉइंट हुए हैं देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड, हमारे चारों नोजल के वायर ओके है, तो हम इसको सबसे पहले तो स्कैनिंग करते हैं। स्कैनिंग करके चेक करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा स्कैनिंग चालू है, हम स्कैनिंग करके चेक कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर दूसरा की गाड़ी क्या? देख सकते फ्रेंड, ये इंजेक्टर का फोल्ड दिखा रहा है। तो फ्रेंड, हम चेक करते हैं कि हमारा इंजेक्टर का कोई वायर तो उल्टा सीधा नहीं जॉइनिंग हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास कहीं और से आई है गाड़ी।
तो हम सबसे पहले इसका इंजेक्टर का वायर वायर चेक करते हैं और उसके बाद आपको फिर से स्कैनर लगा के क्लियर करके देखते हैं, क्योंकि हमारा फोल्ट क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए क्लियर फोल्ट कर रहे हैं हम, ये देखिए ये फोल्ट कोड जो है वो जा नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए बैक करके दिखाते हैं, ये देखिए देखिए फिर से हमारा फोल्ट कोड आ जा रहा है। तो हम एक बार चेक करते हैं। तो फ्रेंड हम इसका इंजेक्टर का वायरिंग अल्टी पल्टी करके देख रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी ने वायर बड़ा जॉइंट किया है, तो दो तीन नंबर का चार नंबर, चार नंबर का तीन नंबर में तो नहीं लगा दिया है। एक बार हम इसको अल्टी पल्टी करके और स्कैनिंग करके चेक करते हैं कि हमारा फोल्ट कोड जाता है कि नहीं जाता है। क्लियर करने के बाद भी हमारा फोल्ट कोड हिस्ट्री में है ही है, जा नहीं रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारे पूरे वायरिंग का है, इंजेक्टर का पूरा वायरिंग बहुत सारों जगह से काट काट के ज्वाइन किया गया है। इसके लिए इसको उल्टा सीधा भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसको हम एक एक वायरिंग पूरा चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करेंगे, हमने वायर को अल्टी पल्टी किया है, गाड़ी चालू भी किया, देख सकते हैं अभी हमारी गाड़ी चालू भी है। देख सकते फ्रेंड इंडक्टर एयर टेम्परेचर सेंसर टू सर्किट हाई कुछ दिखा रहा है। फ्रेंड अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है, देख सकते अभी भी हमारा फोल्ट कोड वैसा ही है। फिर से एक बार इसका पूरा वायरिंग चेक करेंगे। तो फ्रेंड हम इसका पूरा वायरिंग चेक कर रहे हैं, वायरिंग चेक करने के बाद हमें क्या फोल्ट मिलता है फिर हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा तीन नंबर का जो इंजेक्टर का वायर है, ये देखिए यहाँ पे तीन नंबर का इंजेक्टर का वायर, तो यहाँ से किसी ने उल्टा ज्वाइंट कर दिया था, तो हमने इसे अब अल्टी पल्टी किया है। ये वायर उसमें ज्वाइंट किया है, इधर का वायर इसमें ज्वाइंट किया है। ठीक है, तो इस ये हमने अल्टी पल्टी किया है। अब इसका जो इंटरकूलर आता है खाली हम रख कर एक बार सेल्फ मार कर चेक करते हैं कि जो हमारा मिसिंग का प्रॉब्लम था, जो हमारा वाइट स्मोक मार रहा था और जो हमारा बार बार गाड़ी बंद पड़ रहा था, वो सारी चीज़ें सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है, और हमारा जो मीटर पे चेक लाइट आ रहा था वो भी जा रहा है कि नहीं, और स्कैनिंग करने के बाद हमारा फोल्ट कोड भी क्लियर नहीं हो रहा था वो भी चेक करना है। तो हम सबको स्कैनिंग करेंगे, स्कैनर लाइए जरा, स्विच ऑन है। कूलर दो, हमने इंटरकूलर इसका टेम्परेरी खाली रखा है क्योंकि इसमें भी दो सेंसर दिया गया है, देख सकते हैं, तो इसके लिए हमें इसका भी सॉकेट लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमने इंटरकूलर टेम्परेरी रखा है क्योंकि हमारे इंजेक्टर का वायर पूरा टेपिंग करना बाकी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड नो ट्रबल कोड, अब हमारा कोई भी फोल्ट कोड नहीं आ रहा है। अब हम गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा जो मीटर पे चेक लाइट आ रहा था वो चला गया है कि नहीं। तो इसके लिए पकड़िए, तो हम अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड ये स्कैनर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड ये देखिए हमारे मीटर पे कोई भी चेक लाइट नहीं आ रहा है। हमारा गाड़ी भी देख सकते हैं पूरी तरह से रेस हो रहा है। ये देखिए पीछे दिखाई जा रहा व्हाइट स्मोक आ रहा है। हाँ रेस कीजिए, नहीं किसी प्रकार का स्मोक नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, नहीं नहीं। तो फ्रेंड ये गाड़ी हमारा ओके हो चुका है। हमारा जो चेक लाइट का प्रॉब्लम था, मिसिंग का प्रॉब्लम था, बंद पड़ने का प्रॉब्लम था, वाइट स्मोक का प्रॉब्लम था, फ्रेंड दो वायर
तीन नंबर का वायर खाली हल्की पल्टी होने की वजह से तीन नंबर के इंजेक्टर की वजह से सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। गाड़ी स्टार्ट करने वाले एकदम टक 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 साउंड आ रहा था और पीछे से वाइट स्मोक भी मार रहा था और गाड़ी भी रनिंग करते समय बार बार बंद पड़ जा रहा था। हमने उस वायर को पूरा लूप सील कर, क्योंकि ये वायर गाड़ी कहीं और से हमारे पास आई है, वहाँ पे किसी ने वायरिंग हल्टी पल्टी जोड़ दिया था। हमने उसे पूरे तरह से चेक किया, पूरे लूप को फाड़ कर। अब हम आपको उसको पूरी अच्छे तरह से टेपिंग करके दिखाएंगे और टेपिंग करके इंटरकूलर रख कर पूरा फाइनल करके उसके बाद एक बार और फिर से स्टार्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं हमारे मीटर पर कोई भी लाइट नहीं है, सिर्फ ABS का लाइट है। ABS का फ्रेंड, इसका जो ABS का मॉड्यूल आता है वो ख़राब है, तो कस्टमर वो पहले से हमें बताया गया है, लेकिन उनका उतना बजट नहीं है, इसके लिए उन्होंने मना किया वो काम करने के लिए। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ उतना ही काम के लिए आया था कि हमारा जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, वाइट स्मोक का प्रॉब्लम है, बंद पड़ने का प्रॉब्लम है, उतना सॉल्व करके दे दीजिए, ठीक है। तो हमने इतना सॉल्व कर दिया है। अब हम इसका इंटरकूलर ओपन करते हैं और ओपन करके जो भी हमने वायरिंग कट किया था, वायरिंग के जो लूम आते हैं उसके ऊपर के कवर हमने छीला था, उसको अच्छे से टेपिंग करेंगे और टेपिंग करके और उसे फाइनल करेंगे, ठीक है। इसका इंटरकूलर ओपन कीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं पूरा वायरिंग का लूम छीला हुआ है। अब इसको अच्छे से हम टेपिंग करेंगे, एक एक वायर पकड़ कर और टेपिंग करके उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये जो तीन नंबर का इंजेक्टर का वायर देखिए ऊपर जो हमने रखा है, ये उल्टा लग गया था किसी से। अब जो भी गैरेज पे गया था रास्ते में, क्योंकि रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गया था, तो इसकी वजह से उन्होंने वायर अल्टी पल्टी कर दिया है। ये गाड़ी वाले फ्रेंड गए थे कहाँ, फार्म हाउस पे, तो वहाँ वायर मतलब गाड़ी खड़ा करने के वजह से चूहे ने वायर कट कर दिया था। तो इन्होंने किसी लोकल मैकेनिक को रास्ते में दिखाया था गाड़ी, तो वहाँ उन्होंने वायर लगता है उल्टा सीधा जोड़ दिया है, उन्हें समझ में नहीं आया, तो ये फिर से हमारे पास आई है, हमें ऐसा बताएगा। तो हमने इसका पूरा वायरिंग चेक किया, अभी फ़िलहाल इतना अच्छा है कि इंजेक्टर शॉर्ट नहीं हुआ है, नहीं तो वायर उल्टा सीधा करने के वजह से इंजेक्टर भी शॉर्ट हो जाता है। लेकिन कस्टमर का अच्छा नसीब है कि ये इंजेक्टर शॉर्ट नहीं हुआ, सिर्फ वायर हमने उल्टा अल्टी पल्टी कर दिया है, ये गाड़ी ओके हो गई है। अब इसको पूरी तरह से टेपिंग करते हैं, ठीक है। वायर को टेपिंग कर दीजिए और पूरे लूम को, ठीक है अंसारी जी, पूरे वायर को टेपिंग कर दीजिए अच्छे से, और टेपिंग करके इंटरकूलर लगा कर फाइनल करके और उसके बाद वो ये कीजिए, बैटरी वायर खोल दीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो वायरिंग को हम टेपिंग करके अच्छे से पूरी लूम करके फिर हम आपको दिखा। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसको अच्छी तरह से पूरा टेपिंग कर दिया है, देख लीजिए हमारा जितना भी इंजेक्टर का वायर था, ये देखिए पूरी तरह से एकदम टेपिंग हो गया है। ये चार नंबर का है, तीन नंबर का है, दो नंबर का है और एक नंबर का हमारा सही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा तीन नंबर का इंजेक्टर का जो वायर था उसका मिसिंग था, अल्टी पल्टी हो गया था, उसका प्रॉब्लम था, ठीक है। तो अब इसका हम इंटरकूलर लगाते हैं, इंटरकूलर लगा के फाइनल करके और उसके बाद आपको चालू करके दिखाते हैं। थोड़ा इसके अंदर थोड़ा ऑयल है, थोड़ा कपड़े से पोंछ लीजिए, तो दोनों पाइप में नहीं तो रनिंग में ऑयल से वो फेंक देगा, टर्बो का पाइप पिकअप छोड़ देगा रस्ते में, कस्टमर को प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छे से साफ करके लगाओ, अच्छे से साफ कर लो, देखो इसके अंदर भी थोड़ा ऑयल का चिकनाहट है। इस पे दोनों सॉकेट बिठा लीजिए, ये सॉकेट लॉक नहीं हो रहा है तो इसको बिठा कर, ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा टेप मार दीजिएगा, ठीक है, ताकि रास्ते में रनिंग में निकलेना ऊपर से। हाँ ठीक है, बराबर है, ऊपर से लगाइए, ऊपर नीचे लीजिए सॉकेट, इसको इधर लगाइए, हाँ नीचे सॉकेट लगाइए, ठीक है, इसको थोड़ा टेपिंग कर दीजिए ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी क्लिप है वो फाइनल टाइट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते गाड़ी टाइट करके, फिर इसके बाद इसका बैटरी वाला लगाइए, फिर गाड़ी चालू करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, सिर्फ इसका इंजन का जो कवर है वो बाकी वो लगा रहे हैं, बाकी हमने इंटरकूलर इंजेक्टर के जितने भी वायरिंग आते सारे टेपिंग कर दिए अच्छे से, ठीक है। तो इसको फाइनल करके, इंजन का कवर फाइनल टाइट करके और फिर बैटरी वाला लगा कर फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके हम दिखाते हैं, हो गया बैटरी वाला लगाइए।
पाना हटा लीजिए, ऊपर एक बार चेक कर लीजिए पाना वाना नहीं है ना गाड़ी के ऊपर। तो फ्रेंड अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फाइनल करने के बाद। देख सकते फ्रेंड ये ऑटोमेटिक हमारा जो चेक लाइट का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिक चला जा रहा है। हमारी गाड़ी पूरी तरह से रेस भी हो रही है ये देखिए। और हमारा जो नॉकिंग का प्रॉब्लम था टक 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 का वो भी सॉल्व हो चुका है ये देखिए। हमारे इंजन का फायरिंग देखिए और साउंड सुनिए एकदम स्मूथ है। हमारा जो वाइट स्मोक आ रहा था सुबह देखिए वो भी नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो रेस कीजिए। रेस कीजिए थोड़ा। और थोड़ा तो देख सकते फ्रेंड ये हमारा जो वाइट स्मोक आ रहा था वो भी बंद हो गया। ये थोड़ा हमारे साइलेंसर का कचरा आ रहा है बाहर वो क्योंकि पूरा इंजन मिसिंग कर रहा था करके थोड़ा ऑयल चढ़ गया लगता है। वो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो वाइट वाइट स्मोक जो था सब बंद हो गया है। बंद करके चालू कीजिए। चालू कीजिए। ठीक है फ्रेंड तो ये हमारी गाड़ी ओके हो चुकी है। अब इसका हम एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हम अब इसको टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं। थोड़ा पिकअप चेक करेंगे कि हमारा पिकअप तो नहीं तोड़ रहा है, पिकअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, झटका गाड़ी तो नहीं ले रहा है, वो सारी चीज़ें हम जरा एक टेस्ट ड्राइव लेंगे और चेक करके और उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे। तो फ्रेंड अब हम हाईवे पकड़ रहे हैं, थोड़ा हाईवे पे इसको भगा कर देखेंगे, थोड़ा पिकअप टेस्ट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे पिकअप में कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बारिश भी चालू हो गया फ्रेंड देखिए, अभी हम निकले तो बारिश नहीं था। ये देख सकते हैं हमारे पिकअप का। ठीक है फ्रेंड ना हमारी गाड़ी झटका मार रही है ना पिकअप तोड़ रही है ना कुछ कर रही है देख सकते हैं। देख सकते हैं मीटर पे हमारे चेक लाइट भी नहीं आ रहा है। देखिए रनिंग में कभी कभी क्या होता है फ्रेंड रनिंग में भागाने के बाद चेक लाइट भी आ जाता है। तो हमारा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ये दो वायर के वजह से फ्रेंड ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली फ्रेंड हम इसका टेस्ट ड्राइव लेकर आ गए हैं। अब हम गैरेज पे पहुंचने वाले हैं। हमारी गाड़ी भी पूरी तरह से ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वाइट स्मोक मार रहा है, ना पिकअप में प्रॉब्लम है, ना बंद पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड तो ये गाड़ी हमारी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से ओके हो चुकी है। तो अब हमारी गाड़ी में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कम से कम 4-5 किलोमीटर इसको रनिंग किया, ना हमारा पिकअप में प्रॉब्लम है, ना गाड़ी बंद पड़ रही है, ना व्हाइट स्मोक मार रहा है। जो भी प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो चुका है। हमारे मीटर पे कोई चेक लाइट भी नहीं आ रहा रनिंग में या किसी चीज में। ठीक है फ्रेंड तो आज का हमारा ये फॉर्च्यूनर का वीडियो था। ठीक है फ्रेंड अगर आप लोग को हमारा ये काम करने का तरीका या हमारा वीडियो आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। पर फ्रेंड एक बात रिक्वेस्ट करते हैं हम, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।